अभी जनाब माशाल्लाह अली भाई ने जो अपना थोड़ा के वर्कआउट किया है और दूसरे हमारे भाई हैं माशाल्लाह उनका भी जिस्म जो बहुत ज़्यादा कमाल का है आपने देखे हुए। तो अली भाई कितने दिन हो गए गेम करते हुए आपको? चार साल हो गए ये भाई। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज अफ्तारी में जो ना वो तकरीबन आधा घंटा रह गया और मुझे जो ना वो हसन भाई की कॉल आई थी, मेरा दोस्त आपने देखा होगा पहले भी व्लॉग में, वो कह रहा था कि बिलाल भाई मैं आ रहा हूँ आपके पास तो कहीं जाना है। तो मैंने पूछा कहाँ जाना है, तो कह रहा था आपके लिए कुछ जो ना वो सरप्राइज़ है तो आपको मैं लेने आता हूँ तो फिर बताता हूँ। तो अभी मैं रेडी शेडी हो गया हूँ, अभी हसन भाई का वेट कर रहा हूँ, तो वो आते हैं फिर उनसे पूछते हैं कि यार क्या प्लान है। मैं तो भी घर से आया था समोसे लेने के लिए, तो उन्होंने मुझे बोल दिया भाई समोसा कोई नहीं, अब तारी आज हमारी जो ना वो कहीं बाहर ही होगी। तो मैंने घर वाले को बोल दिया जनाब मैं जा रहा हूँ वीडियो बनाने, तो आप लोग जो ना अफ्तारी कर लेना। तो अभी मैं आ गया हूँ, बस उसका वेट कर रहा हूँ, टाइम थोड़ा आ गया तो देखता हूँ तो फिर पूछता हूँ और निकलते हैं फिर। कहाँ निकलना है अभी कोई आइडिया नहीं, कहाँ जाना हमने, तो चलते हैं फिर। तो अभी हसन भाई का वेट हो रहा था और ये जनाब अभी ये आ रहे हैं। सर वैसे तुम लेट बड़ा करवा हड़े थोड़ा टाइम आंदा ना की हाल है? ठीक ठाक हो? ठीक ठाक, तू सुनाओ? पता है काम शाम भी करने होंदे ने। और वधिया आप ले कम सारे भरावां नु है? सारे भैन भरावां नु। टाइम दस लेट क्यों कराया तू? यार घर काम शाम लगे मिस्त्री उन्होंने बड़ी करवा के फेर जाना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सुन भाई अभी आपने मुझे बुला तो लिया है, तो क्या प्लान है, किधर जाने का इरादा आपने अचानक से जो ना वो बुलाया? आज जाना है हमने ना, दोस्त है मेरा जफरवाल का ना, यानी कि जफरवाल टाउन जाना है। टाउन जाना है, खैरियत है? हाँ दोस्त है, उसने जिम बनाई है। जिम शिम, वाह डोले शोले हैं। तो उसके पास जाना है, बहुत प्यारी जिम बनाई है माशाल्लाह उसने। इनके जिम का विजिट भी करेंगे और साथ आपके दोस्त से मिलेंगे, उसकी जो जिम वगैरह बनाई है वो देखेंगे। अच्छा भाई क्यों ना यार हम भी लोग जिम स्टार्ट करें रमजान के बाद? हाँ इंशाल्लाह जरूर करेंगे, ये ईद के बाद करेंगे। ईद के बाद रमजान भी गुजर जाएगा ना, और ईद से फारिग होकर फिर हम देखेंगे क्या क्या मशीनें हैं, कैसे कैसे लोग करते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी बनाई है सारी मशीनें, समझो समझो ना कैसा बिल्ड किया है, बड़ी है। और भाई कभी जिसम आपको दिखाएंगे तो भाई कैसा बड़ा जिसम बनाया उन्होंने, तो अगर तो वो हो गया मूड में फिर उनका भी थोड़ा सा आपको दिखाएंगे जिम का रिव्यू भी और भाई की बॉडी शॉडी। तो अभी फिर चलें जफरवाल जाना है? जी चले जी, अभी जफरवाल के निकलते हैं और आज यानी कि जिम वगैरह हम लोग देखेंगे और ज्वाइन करने का भी हमारा आगे इरादा है। वेल ड्रेस हो गया बच्चा आ गया फिर है, चलो फिर निकले। इधर क्या लेने आए हैं? अभी हम जफरवाल पहुँच चुके हैं और इनके जो पकौड़े बड़े मशहूर हैं ना, तो यहाँ से हम लोग लेंगे समोसे पकौड़े, फिर हम लोग जो ना बाहर जाकर तारी करेंगे। ले ले फिर क्यों खत्म हो गए ने जनाब, यहाँ समोसे लेने आए थे समोसे खत्म हो गए हैं, अभी फिर क्या करना है? पकौड़े अभी भाई ने जनो दे दिए हैं, पहले कह रहे थे कि शायद खत्म हो गए हैं लेकिन अभी ये के मिल गए हैं। कितने मिले हैं? थोड़े मिले हैं, इनके शॉर्ट हो गए हुए हैं। मेहरबानी भैया समोसे पकोड़े हसन भाई ने ले लिए हैं, अभी बारी है कोल्ड ड्रिंक वगैरह की, चले फिर वो लेते हैं। बाहर तो शॉप बंद है सारी लेकिन ये कि हम अंदर आए हैं तो खुली है शॉप। सादे पानी के ले रहे हसन भाई, इधर कोल्ड ड्रिंक हसन भाई स्प्राइट ले लो यार, क्योंकि अफ्तारी के बाद स्प्राइट ही सही रहती है, कोक शोक नहीं। एक सादे पानी ले लो ठंडा देख ले, नॉर्मल ही है, चलो चलेगा। अब बाहर तो दुकानें बंद है सारी। तो अभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले ली हैं, अभी बस निकलते हैं, थोड़ा टाइम रह गया। तो अभी हम लोग ना अपना जो ना अफ्तारी का सामान वगैरह लेके ना तो हम लोग आ गए हैं, क्योंकि हमने वो भाई को कॉल की थी तो वो कह रहा था कि यानी कि अभी मैं जिम नहीं आया हूँ, तो हमने सोचा तो तब तक हम रोज़ा वगैरह खोल लेते हैं, उसके बाद आराम से फिर जो ना वो जिम जाएँगे। तभी हम जो जफरवाल टाउन उससे बाहर ना कुछ इस तरह की यहाँ बनी हुई है पहाड़ी टाइप। हसन भाई कहते हैं कि बिलाल भाई ये मैंने पहले नहीं देखी, चलो आज इधर जाकर ना अफ्तारी कहते हैं ऊपर बैठ के, काफ़ी हाइट है और ऊपर से जाना वो नज़ारा बड़ा अच्छा आता है। तो वह था भाई चलिए फिर, चलो जी कैसी जगह लगी है? मजे दी है, तभी कर लीजिए। हाँ जी चलो फिर चलिए। यहाँ पास ना एक मंदिर भी है, वो पहले भी आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ। हसन भाई कह रहे थे मैंने नहीं देखा होगा, मैं यार आप अपने इलाके में रह के तो इस जगह नहीं देखते। अच्छा भाई बंदा बाहर निकलो फिर पता चलता है ना।
अभी हम लोग ऐसे हैं जैसे वो नहीं जा रहे कश्मीर की पहाड़ियों के ऊपर वो वाली फीलिंग आ रही है ना सन भाई। तो ये काफी हाइट पे है, ये देखें अभी हम लोग जनाब आ गए हम मरी की पहाड़ियों पे। ये देखें पीछे से बहुत फवाल सिटी जो नजर आ रहा है, अच्छा भाई व्यू कैसा है? मजे का ना। तो लाल ही डेरा थे अपना? मैं थे कोपा ला लिया आज दी रात। चलो फिर रात गुजारने आते। तो अभी जो अफ्तारी का सामान लेके आए थे ना, अभी हम लोग इधर बैठ के आप लोकेशन चेक करें, कितनी ज़बरदस्त लोकेशन है। और इस लोकेशन पे अफ्तारी करने का ना कुछ अपनी मज़ा आएगा। और जफरवाल के मशहूर पालक वाले पकोड़े और साथ हम लोग जो ना वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो अभी हम लोग जो ना वो पहुंच चुके हैं जिम, ये आप देख सकते हैं पीछे सही जो ना बड़ी जिम है, फुल इसके अंदर सामान है, टोटली जितना भी जो ना एक बॉडी बिल्डर के लिए सामान होता है ना वर्कआउट के लिए कुछ सारा है। और ये काफ़ी ज़्यादा जो ना एक तो खुली है, हमारे टाउन में भी है कि ग्राम में, लेकिन वो समझ लो कि इतनी सी है इसके मुकाबले में, क्योंकि वहाँ दो चीज लड़के इकट्ठे हो जाएँ तो एक तो गर्मी बहुत हो जाती है, दूसरा ये उनके पास सामान भी बहुत कम है। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ वहाँ हमें बहुत ही है और यहाँ तक उन्होंने काफ़ी बड़ी है। अभी दोस्त हमारा वो बाहर गया हुआ है, वो आता है सब आपको मिलाते हैं, बाकी जो यहाँ सामान है थोड़ा वो भी आपको दिखाते हैं। अभी लड़के आना शुरू हो गया वर्कआउट के लिए, पीछे आप देख सकते हैं आस्ता आस्ता, यानी कि रमज़ान है ना रोज़े के बाद तारीख के बाद फिर लड़के आना शुरू हो जाते हैं। तो अभी थोड़ा सा आपको जिम का मैं बताता हूँ, फिर बाकी भाई से मिलते हैं। तो अभी भाई का वेट हो रहा था, भाई का नाम अली है ना, अली भाई हमारे साथ आ चुके हैं। भाई आपका क्या नाम है? अजीम भाई हमारे साथ आ चुके हैं, आप देख सकते हैं इस टाइम जो ना जिम काफ़ी ज़्यादा जो ना वो लड़के कराना स्टार्ट हो गया। हम लोग अफ्तारी वगैरह करके तो भी पहुँचे हैं, भाई का वेट हो रहा था, भाई भी आ गए हैं, तो आपको भी दिखाया वर्कआउट जो भी हो रहा है आगे भी दिखाएंगे। तो भाई इसका जो जिम का टाइमिंग वाला क्या है? टाइमिंग 5 बजे से लेके 11 बजे तक। 5 बजे से लेकर 11 बजे तक सिर्फ लेडीज या जेंट्स या लेडीज? जेंट्स बस, वो 10 से लेके 5 बजे तक लेडीज। ठीक हो गया।
अभी जनाब माशाल्लाह अली भाई ने जनाब अपना थोड़ा वर्कआउट किया है और दूसरे हमारे भाई हैं माशाल्लाह उनका भी जिसम जो बहुत ज़्यादा कमाल है आपने देखे हुए। तो अली भाई कितने देर हो गए गेम करते हुए आपको? चार साल हो गए। ये भाई भी सही है। तो ये जो आपके जिम है ये किस जगह पे? ये जिम किस जगह पे? ये वाली पुराना रोड ईदगाह के सामने है। ठीक हो गया। अभी हम लोग अपने यानी कि अड्डा किंगरा टाउन पहुंच चुके हैं और यहाँ आके हमें जो ना वो सही सुकून मिलता है। अभी हमने स्टिंग वगैरह पी ली है, आज हमने स्टिंग की वीडियो शूट नहीं की क्योंकि आप लोगों ने कहना था कि यार भाई रोज़ स्टिंग पीते हो, हमने सोचा था कि आपको नहीं बताएंगे लेकिन अभी बता दिया। और हसन भाई भी आ चुके हैं और इस बंदे ने मैं ऐसा किया ज़्यादती यानी कि वहाँ से गाड़ी मैं चलाता आया हूँ और चौथी दफ़ा गाड़ी मैं चला के गया हूँ। और वो जो रोड है ना, एक दफ़ा आप उस रोड से मेकअप करके जाओ ना दोबारा आपको मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी ज़्यादा वहाँ से जो है वो डस्ट पड़ती है। और अभी जनाब हंस रहे हैं, कोई नहीं गल नेक्स्ट। चलो कोई नहीं, एंजॉय हो गया ना बड़ा। तो मौजा चलिए फिर, अल्लाह हाफिज। तो आज की हमारी वीडियो ये थी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़।